Dígame, Marcos. Ahora es cachado, ¿va qué? Marcos, ahora es cachado, ¿va qué? और हम पढ़ेंगे तीसरे पद से लेकर नौवे पद तक, मरकुस 14:3-9। અને જ્યારે તે બેથેનિયામાં સિમોન કોડિયાના ઘરમાં હતો, ખાવા બેઠો હતો, ત્યારે એક સ્ત્રી જટામાસીના અતિ મૂલ્યવાન અત્તર ભરેલી સંગમરમરની ડબ્બી લઈને આવી અને તે ડબ્બી ભાંગીને તેણે તેના પર તેના માથા પર તેડ્યું। પણ કેટલાય પોતાના મનમાં નારાજ થઈને કહેવા લાગ્યા કે દરિદ્રીઓ સદા તમારી સાથે છે ને તમે ચાહો ત્યારે તમે તેઓનું ભલું કરી શકો છો, પણ હું સદા તમારી સાથે નથી। જે તેનાથી બની શક્યું જે તેણે કર્યું છે, દફનને સારું અગાઉથી તેને મારા શરીરને અત્તર કર્યું છે। વળી હું તમને કદી કહું છું કે આખા જગતમાં જ્યાં કહી સુવર્તા પ્રગટ કરાશે ત્યાં સ્ત્રીએ કર્યું છે તે એની યાદગીરીમાં કહેવામાં આવશે। પરમેશ્વર પિતા કા વચન હમારે લે બહુત આશીષિત હૈ ઓર પરમેશ્વર પિતા કા વચન સચ્ચા હૈ और बाइबल में लिखा है कि आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी लोग जाग करें ना, आज एक बार फिर परमेश्वर हमारे साथ बात करेंगे और आज का वचन हालेलुया हालेलुया। आज का वचन एक बार फिर हम सभी के लिए है और आज एक बार फिर परमेश्वर हमसे बात करेंगे, परमेश्वर हमको कुछ सिखाएंगे और परमेश्वर उनके राज के लिए हमें तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर सच्चे परमेश्वर हैं और हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और हमारे परमेश्वर सबसे बड़ी बात हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर वो तो प्रेमी परमेश्वर है और इसलिए हमारे परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया कि वो हमारे बीच में आए, इंसान बनकर आए, हमारे बीच में 33.5 साल जीवन जिया और हमारे पापों के कारण उनको मार दिया गया, उन्होंने अपनी जान दे दी, अपना लहू बहा दिया और यीशु मसीह जिंदा होकर जहाँ से आए थे वहाँ वापस भी चले गए और एक बार फिर हमारे परमेश्वर हमको लेने के लिए आने वाले। जब वो इस धरती पर थे तब उन्होंने कई चेले को चुना और चेले को पसंद किया, चेले को ठहराया और चेले को कुछ काम भी दिया और चेले को अपने साथ साथ घुमाते रहे, उनको चमत्कार दिखाते रहे, उनको अधिकार देते रहे, उनको सामर्थ्य देते रहे और उनका अभिषेक किया और यीशु मसीह इस तरह से अपने चेले को लेकर घूमते रहे और फिर 3.5 साल तक उनके साथ रहे और 3.5 साल के बाद यीशु मसीह मरकर जिंदा होकर वो स्वर्ग राज में चले गए और ये सारा काम जो था उन्होंने अपने चेले को दे दिया। अभी चेले को बोला कि आप लोग ये काम करो, सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ, उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो और जो जो आज्ञा मैंने दी है वो उनको मानना सिखाओ। ऐसी आज्ञा प्रभु यीशु ने अपने चेले को दी और चेले को देकर प्रभु यीशु स्वर्ग में चले गए। अभी चेले लोग ये सब काम जो थे वो चेले लोग ये सारा काम वो करने लगे और जब हम आगे बढ़ते हैं बाइबल में प्रेरितों के काम हम जब पढ़ते हैं तब वहाँ पर एक चेला और बढ़ गया और जिसका नाम था पौलुस। हालेलुया हालेलुया। पौलुस परमेश्वर का बहुत बढ़िया चेला हुआ और जब प्रेरितों के काम पढ़ते उसके 13वें अध्याय से लेकर आखिर तक हम देखते हैं तो सिर्फ पौलुस 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 के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद भी आगे देखो तो पौलुस का लिखा हुआ सब कुछ हमको देखने को मिलता है, रोमिया की पत्री, करंथी की पहली और दूसरी पत्री। आगे बढ़ते जाते हैं तो पौलुस ने बहुत कुछ वहाँ पर लिखा, पवित्र आत्मा से लिखा और पवित्र आत्मा से लिखकर उन्होंने हमारे लिए वो सब दे दिए। पौलुस का जो जीवन था सही में बहुत बढ़िया जीवन था और पौलुस का परमेश्वर ने जो इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल भी बहुत बढ़िया हुआ था। और पौलुस के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं जब पौलुस वो मसीह में नहीं आए थे, जब विश्वास में नहीं आए थे और तब उनका जीवन कैसा था और बाद में उनका जीवन कैसे हुआ वो सारा वहाँ पर लिखा हुआ है।
और प्रेरितों के काम में लिखा है उसका सातवां अध्याय, और वहां पर स्तेफनस नाम का एक परमेश्वर का दास था, और उसने लोगों के साथ विवाद किया, लोगों को परमेश्वर के बारे में सिखाया, प्रभु के बारे में सिखाया, पुराने नियम से लेकर वो प्रभु तक सारी बातें उसने लोगों को सुना दी। लेकिन लोग बहुत ही गुस्सा थे उसके ऊपर, और बहुत गुस्सा थे, और सभी लोग उसके इर्द गिर्द आ गए, उसको शहर से बाहर निकाल दिया, और वहाँ पर जाकर सभी लोगों ने उसके ऊपर पथराव किया, सभी लोग उसको पत्थर मारने लगे। अभी उस वक्त उनका कैसा कानून था या कैसा रिवाज था मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब पत्थर मारते होंगे तब कपड़े उतार दिए होंगे। अभी कैसे कपड़े, कौन से कपड़े उतारे वो भी नहीं मालूम, लेकिन जो कपड़े उतार कर उन्होंने रखे थे वो कपड़े ये जो पौलुस था वो पौलुस के पास रखे थे, और पौलुस उस कपड़े की देखभाल करता था। और हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका सातवां अध्याय और उसका 58। तेने शहर बाहर लई जाइने पथरा मार्या, साक्षीओ शाऊल नामे एक जुआन ना पग आगळ पोताना लुगड़ा मुक्या हता। हाँ, ये जो शाऊल जो पीछे से पौलुस के नाम से जाना गया, ये पौलुस ने उन लोगों के कपड़े जो थे उसके ऊपर निगाह रखी थी कोई चोरी कर ना ले जाए, मतलब उस काम में वो खुश था। स्टेफन जो था उसको मार दे, उसके ऊपर पथराव करे, उस काम में वो खुश था। और फिर आगे पढ़ते हैं 8वां अध्याय और उसका पहला ही पद, प्रेरितों का काम सम्मति। सम्मति आपी हती तेज दहाड़े यरूशलेम की मंडली पर भारे सतामणी शुरू थई, इतने प्रेरितों सिवाय तेओ सर्व यहूदिया तथा समूहना प्रांतमां विखराई गया। यहाँ पर जो लिखा है कि पौलुस जो थे उन्होंने सम्मति दी थी, मगर स्टेफन को मारने से पहले वहाँ की एक सभा थी जिसको न्यायियों की सभा कहते थे, जिसमें जज लोग बैठते थे, उसमें एक जज जो था वो तो ये खुद था पौलुस, और पौलुस ने भी साइन कर दिया, हाँ स्टेफन को मार दो, उसको ख़त्म कर दो, वो यीशु मसीह को मानता है, यीशु मसीह के पीछे चलता है, उसको भी ख़त्म कर दो, और उसने भी अपने सिग्नेचर कर दिए थे, ऐसा यहाँ पर बाइबल में लिखा है। और आगे पढ़ते हैं 9वां अध्याय प्रेरितों के काम उसका पहला और दूसरा पद। पर शाऊल हजु सुधी प्रभुना शिष्य ने कतल करवानी धमकी आपतो हतो, प्रभु याजक ने पासे जईने तेने तेनी पासे थी दमस्कमानी सभाओ पर पत्र मांग्या के जो तेने ए मार्गनो कोई पण पुरुष ने मळे तो ते तेओने बांधीने यरूशलेम लई आवे। सब पढ़कर तो ऐसा लगता है कि पौलुस वो हाथ धोकर नहीं लेकिन नहा धोकर मसीह लोगों के पीछे पड़ा था पूरी तरह से, कहाँ पर दिखते हैं, बस उसको मार, उसको ख़त्म कर, उसको जेल में डाल दो, ये करो वो करो, पूरी तरह से पीछे पड़ा हुआ था, ऐसा पौलुस का जीवन था। और उसने कुछ अधिकार पत्र लिए और वहाँ से दमस्क जाने के लिए भी ये पौलुस जो थे वो निकल पड़े, और मसीह लोगों को बहुत परेशान उस ज़माने में पौलुस ने किए। और उसके बाद जो पौलुस थे वो पौलुस जब अपनी गवाही देते हैं तो गवाही में भी बताते हैं, हम पढ़ते हैं फिलिपिया और उसका 3रा अध्याय प्रेरितों के काम और फिलिपिया उसका 3रा अध्याय और उसका 5 और 6 पद। यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है पौलुस अपनी बातें करते थे, मैं कैसा था उसमें फरोशी, और फरोशी का मतलब ये होता है कि बाइबल को जानने वाला, बाइबल का जानकार, लोगों को भी सिखाने वाला, ऐसा था पौलुस। फिर लिखा है कि 8वें दिन मेरी सुन्नत हुई थी, परमेश्वर ने नियम दिया था कि 8वें दिन सुन्नत होनी चाहिए, हो सकता है कोई एक दो दिन इधर उधर कर देता हो, लेकिन पौलुस तो बोलता है नहीं मेरी तो पूरे 8वें दिन ही हुई थी वचन के अनुसार, और बोलता है अगर परमेश्वर वचन के अनुसार मेरा न्याय करने के लिए बैठे मतलब पुराने नियम के अनुसार तो बोलते मैं निर्दोष ठहरू, ऐसा था पौलुस। मतलब पुराने जीवन की बात करते मसीह में आने से पहले भी इतना अच्छा था, लेकिन हम देखते कितना अच्छा था, स्टेफन को मारने के लिए उसने हाँ बोल दी, जब लोग स्टेफन को मारते थे तो उनके कपड़े के ऊपर निगाह रखता था, और उसने अधिकार पत्र लिए ताकि और जगह पर जाकर भी मसीह लोगों को सताया जाए, ऐसा तो उसका काम था। लेकिन फिर भी पौलुस जो थे वो बाइबल को जानने वाले थे, बाइबल को सिखाने वाले भी थे, बहुत ध्यान समझना,
हम बाइबल लेकर घूमते बहुत अच्छी बात है, हम बाइबल लेकर लोगों को सिखाने वाले बन गए वो भी बहुत अच्छी बात है। पौलुस भी उसमें से एक ही था, लेकिन उसका जीवन वो नहीं था, उसका जीवन मसीह में नहीं था। बाइबल था उसके पास, बाइबल जानता था, बाइबल लोगों को भी सिखाता था, लेकिन उसके अंदर बाइबल वाली बात, मसीह वाली बात, परमेश्वर वाली बात जो होनी चाहिए वो बात उसके अंदर नहीं थी। अभी अगर पौलुस के बारे में अगर कोई बात करता उस वक्त जब वो मसीह में आया, उससे पहले बाइबल तो बहुत पढ़ता था, बाइबल लोगों को भी वो सिखाता था, न्यायों की सभा में वो तो बैठता था और वो लोगों का न्याय करता था, कौन कैसा है, किसको मार देना चाहिए, किसको नहीं मारना चाहिए, वो उसमें एक वो भी था। और जब ऐसे लोग जब पौलुस को देखते होंगे कितना बाइबल पढ़ता है, चर्च में रेगुलर है, मीटिंग में भी रेगुलर जाता है, बाइबल भी लोगों को सिखाता है, लेकिन उसके बारे में जब बात करते तब बोलते हैं पौलुस यार छोड़ यार जाने दो, उसका जीवन सही नहीं है। जब उसके बारे में लोगों ने जानता लोग जानते होंगे उसके बारे में अगर कुछ बात करते हो तो कैसी बातें करते होंगे, बाइबल लेकर घूमता है, चर्च में भी जाता है, मीटिंग में भी जाता है, लेकिन जाने दो ना यार कुछ भी इतना भी नहीं है उसके अंदर, परमेश्वर की बात इतनी भी उसके अंदर नहीं है, ऐसी चारों ओर लोग बात करते होंगे। और हम पढ़ते भी हैं, बाइबल में भी लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय। और अभी जो पौलुस से उसको परमेश्वर के दर्शन हो गए, उसने अपना जीवन बदल दिया, वो अंधा हो गया और अंधा होने के बाद दमस में किसी के घर वो चला गया था। और तब एक वहाँ पर परमेश्वर का दास था जिसका नाम था अनन्या, और अनन्या के पास परमेश्वर आए और परमेश्वर ने उसके साथ कुछ बातें की, और बातें जो की थी वो पौलुस के बारे में बात की थी, और बात ऐसी की थी कि तुझा पौलुस इंतजार कर रहा है, पौलुस के लिए प्रार्थना करनी है, तुझा वहाँ पर और पौलुस के लिए तू प्रार्थना कर, उसको चंगाई मिले। और ऐसा बोलकर परमेश्वर ने अनन्या को एक आज्ञा दी। तब अनन्या परमेश्वर से बात करते हैं और हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसका 13 और 14 पद। ऐसी बातें करते थे लोग, बाइबल लेकर घूमता है, बाइबल सीखता है, बाइबल लोगों को भी सिखाता है, लेकिन प्रभु को भी डायरेक्ट बात करते हैं, प्रभु मालूम है कैसा है, पौलुस कैसा है मालूम है, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो तो लोगों को मारता रहता है, कलीसिया को सताता रहता है, कौन सा अच्छा है, उसके अंदर सेवक नाम की कोई चीज नहीं है, फरीसी है, बाइबल को जानता है, बाइबल लेकर घूमता है, लेकिन सही में उसके अंदर परमेश्वर वाली कोई बात नहीं। ऐसा परमेश्वर का दास डायरेक्ट परमेश्वर को बोलते, ऐसा एक दास था और वो कहीं पर गवर्नमेंट में जॉब कर रहा था, गवर्नमेंट में जॉब करते करते उसने चार और बात फैला दी, और बात ऐसी फैला दी कि मैं अभी जॉब छोड़ रहा हूँ और परमेश्वर की सेवा में मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मैं परमेश्वर की सेवा में बाहर जा रहा हूँ। चारों ओर पता चल गया ये इंसान इतनी गवर्नमेंट की सर्विस छोड़कर बाहर जा रहा है। सही में उसने ये किया था, अपनी ट्रांसफ़र करवा ली थी, और ट्रांसफ़र भी कैसी, पूरे गुजरात से बाहर, और गुजरात से बाहर चले गए ट्रांसफ़र करवा कर, और वहाँ पर अभी अच्छे से जॉब कर रहे, और जब छुट्टी इकट्ठी होती तो यहाँ पर आते, और यहाँ पर आकर उठे, अरे परमेश्वर ने ये काम किया, परमेश्वर ने वो काम किया, परमेश्वर ने ऐसा काम किया। वहाँ के लोग बहुत गरीब है और बोलते थे कि वहाँ पर इतने लोग गरीब हैं, उनके पास घर में बर्तन नहीं है, तो बड़े बड़े लोगों के घर में जाते थे और बोलते थे अगर सेवा करना चाहते हो और वहाँ के लोगों को अगर बर्तन देना चाहते हो तो इतने इतने बर्तन की ज़रूरत है, बोलो आप कितने बर्तन लोगे, मैं वहाँ पर जाकर उनको पहुँचा दूँगा। तो कोई बोलता था कि मैं इतने बर्तन लूँगा, कोई दूसरा बोलता था मैं इतने दूंगा, बोले कोई बात नहीं, जब मेरी छुट्टी, मैं जब वापस वहाँ पर जाऊँगा तब मैं वो बर्तन आपके पास से लेकर जाऊँगा। फिर 2 दिन पहले बोल देता था, अरे यार इतना बर्तन लेकर मैं इतनी लंबी सफ़र कैसे करूँगा, तो एक काम करो ना नकद ही दे देना, वहाँ पर जॉब चालू, और वहाँ से यहाँ से भी पैसा इकट्ठा कर वहाँ पर ले जाता था। फिर कभी कभी आकर ऐसा बोलता था वहाँ के लोगों के पास बाइबल नहीं है, वहाँ पर बाइबल देना है, और बाइबल के नाम पर भी पैसा ले लेकर वो चला जाता था। और वहाँ पर पैसों के जोर पर उसने मालूम नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने वहाँ पर। और ये सारी बातें कोई कहानी नहीं लेकिन सच्ची बात है, लेकिन यहाँ पर लोग ऐसा समझते थे कितना बढ़िया परमेश्वर का दास है, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दी
और गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर वो वहाँ पर कितना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की कृपा अच्छी है कि परमेश्वर मुझे कभी भ्रम में नहीं रहने देते और परमेश्वर मुझे कहीं पर भी ले जाते। और एक बार परमेश्वर मुझे ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पर वो बात करता था कि मैं यहाँ पर हूँ, और एक बार मेरा वहाँ जाना हुआ तो मैंने वहाँ पर बात की, यहाँ पर तो गरीबी बहुत है आप लोगों के बीच में, ऐसा ऐसा होता है, बर्तन नहीं होते, वो सब भी हंसने लगे, बोले कौन से जमाने की बात करें, बोले हमारे दादा ने भी सुना था ऐसी गरीबी यहाँ पर थी, अभी नहीं है। मैंने बोला ऐसा ऐसा परमेश्वर का दास है जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, बोले यहाँ पर ऐसा कोई परमेश्वर का दास है ही नहीं। तब पता चला ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर, लेकिन ऐसे ही पौलुस का जीवन जो था वो भी कुछ ऐसा ही था और ऐसा ही काम करता था। अभी वो सेवक जो है वो अभी बस स्टॉप के ऊपर अभी रिटायर हो गए, तो उसके घर के पास एक बस स्टॉप है, वहाँ पर सिक्योरिटी का काम करता है। एक बार मुझे बस की जरूरत पड़ी, मैं वहाँ पर पहुँच गया और मैंने उनको देखा, मैंने बोला आपके यहाँ पर क्या कर, बोले रिटायर हो गया ना अभी, और परमेश्वर को जो मैंने वचन दिया था वो वचन भी पूरा हो गया। मैंने बोला था रिटायर होने तक मैं सेवा करूँगा, उतनी उम्र तक सेवा करूँगा, मेरी सेवा खत्म हो गई, बस अब मैं ये काम कर रहा हूँ। जो परमेश्वर की सेवा एक बार करना शुरू कर दे वो भी आत्मा से और सच्चाई से, वो कभी रिटायर नहीं होता, वो कभी रिटायर नहीं होता। हो सकता है उसको मार दिया जाए और हो सकता है उसकी मौत हो जाए। एक सेवक आता था, एक बार आया, दो बार आया, मैंने उसको देखा, उसके हाथ में बाइबल नहीं। मैंने बोला परमेश्वर के दास, बोलते हाँ मैं परमेश्वर का दास हूँ। मैंने बोला आपके पास तो कभी बाइबल ही नहीं होती, जब भी आप आते हो तो आपके हाथ में बाइबल होनी चाहिए, लेकिन आपके पास तो बाइबल ही नहीं। जब से मैंने उसको डांटा तब से एक नया नियम लेकर घूमता है, वो भी कहीं पर भी जाता है तो नया नियम लेकर जाता है। लेकिन मेरे घर में सोच कर आता है कि इसके घर में मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। कई सेवक लोग होते कि लोगों के घर में जाके तीन तीन चार चार घंटे बैठे रहते, कई बार तो बोल भी देते मुझे सोना है यहाँ पर आकर, सो भी जाते, प्रार्थना के लिए जाते और वहाँ सो भी जाते। जब ऐसा सुनते हैं तो हंसी आती है कि परमेश्वर के नाम पर मालूम नहीं क्या हो रहा है और कैसा चल रहा है। और उसका जीवन जो था कुछ ऐसा था कि परमेश्वर का नाम तो था, परमेश्वर का वचन तो था, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो बातें होनी चाहिए वो बातें नहीं थी। पौलुस की बातें उस समय लोग कर रहे थे और अनन्या ने बात की परमेश्वर से, क्या परमेश्वर कैसा दास है, वो तो अच्छा नहीं है, वो तो सही नहीं, वो तो हम लोगों को सताता है। और यहाँ पर भी अधिकार पत्र जो है वो लेकर आया है। लेकिन एक बार पौलुस दमिश्क जा रहा था और दमिश्क जाते जाते दोपहर में एक बार ऐसा हुआ कि उसके ऊपर रोशनी आई। हालेलुया हालेलुया, शैतान भागता है, हालेलुया हालेलुया। तो एक बार दोपहर में उसके ऊपर रोशनी आई, और बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसका 22वां अध्याय, और उसका 6वां पद। जाता हूँ दमिश्क पैसा पहुंचो, तेरे लगभग मध्य हमारी आसपास आकाश में एक का एक मोटो प्रकाश से दिखियो। हाँ, पौलुस ऐसा बोलते कि मैं जा रहा था और दोपहर में मतलब तकरीबन 12 बजे का समय, जब सूरज बीच में होता है तब की बात, जब बीच में सूरज होता है तब ऐसा हुआ कि उसके ऊपर एक रोशनी आई, उसके ऊपर रोशनी आई। जब दोपहर में सूरज हमारे सर के ऊपर होता है उस समय की बात, आप ऊपर देखकर सूरज को नहीं देख सकते, इसलिए रोशनी होती। अभी आप बाहर जाओगे तो स्ट्रीट लाइट आपको देखेगी, स्ट्रीट लाइट के सामने देखना तो आंखें ऐसी हो जाएगी उसको देखकर। लेकिन दोपहर में अगर वो जलती हो, जब सूरज की रोशनी हो तब उसको देखना, तब ऐसा लगेगा दिए से भी कम उसकी रोशनी है, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा होती। अभी सूरज की रोशनी तो ठीक, अब उसमें कौन सी रोशनी आई, उससे भी ज्यादा रोशनी, मतलब जिससे सूरज बनाया है उस परमेश्वर की रोशनी वहां पर आई, इतनी बड़ी रोशनी कि सूरज जो है वो वहां पर फीका पड़ गया। हालेलुया, इतनी बड़ी रोशनी आई। जब सूरज को हम देखते हैं, कभी देखना सूरज को दोपहर में, वो ज्यादा नहीं, दो चार सेकंड देखना, दो चार सेकंड के बाद इधर उधर देखना आपको काले काले धब्बे नजर आएंगे, फिर मालूम दो चार मिनट के बाद आपकी आंख सही हो जाएगी, लेकिन तब तक तो काले काले धब्बे नजर आएंगे। अब परमेश्वर को देख ले तो क्या हो जाएगा, अंधाई हो जाएगा ना। हालेलुया, वो अंधाई हो जाएगा। और पौलुस ने जब ये वाली लाइट देखी, परमेश्वर का प्रकाश देखा जो सूरज से भी बड़ा था, और जब वो प्रकाश देखा पौलुस जो है वो पौलुस की आंखें बंद हो गई, पौलुस को दिखना बंद हो गया,
और पौलुस ने बोला कोई मुझे उठाओ और मुझे कहीं पर ले जाओ, और पौलुस को कहीं पर लेकर जाकर गए। यहाँ तक पौलुस का पुराना जीवन था, वो ध्यान से समझ रहा, अभी पौलुस का पुराना जीवन खत्म हो रहा है, और अभी अनानियास को वहाँ पर भेजा। अनानियास ने वहाँ पर जाकर उसके लिए प्रार्थना की। तीन दिन के बाद, तीन दिन तक उसने उपवास किया, ना सुबह खाया ना रात को खाया ना पानी पिया। और उसके बाद जब अनान्या ने उसके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की, उसकी आंखों के अंदर से मालूम ने क्या एक छिलके जैसा निकल गया, और वो देखने लगा। तुरंत बपतिस्मा लिया उसने, और बपतिस्मा लिया, और उसके बाद तुरंत ये जो पौलुस थे, वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसका 9वां अध्याय और 20वां पद। તેણે લાગવત સભાસ્થાનોમાં ઈસુને પ્રગટ કર્યો કે તે દેવનો દીકરો છે। બાઇબલ મેં સક તુરંત હી પોલસને તુરંત હી પ્રચાર કરના શરૂ કર દે। ઉસસે 3 દિન પહેલે કી બાત હે, બસ અગર કોઈ બોલે કે ઈસુ પરમેશ્વર કા બેટા હે તો બાઇબલ લેકર બેટા દિખાઓ મુઝે કહાં પર હે, ઓર બાઇબલ સે સામને વાલે કે સાથ એસે ચર્ચા કરતા હોગા કે સામને વાલે કા મુહ બંધ કર દેતા હોગા, ઓર એસે લોગો કો જો ઈસુ મસીહ કો मसीह मानते थे, ऐसे लोग जो यीशु को मानते थे उसके नाम की प्रार्थना करते थे, ऐसे लोगों को उठा उठा कर जेल में डालता था, उसको मरवा देता था, उसको मारता था, उनकी सतावट करता था। वो पौलुस ये रोशनी आने के बाद, ये प्रकाश आने के बाद उसका जीवन इतना परिवर्तन हो गया। अभी वो खुद, अभी 3 दिन तो अंधा था, उससे कौन सा बाइबल दूसरी बार पढ़ा, लेकिन अब उसकी आंखें खोल गई। अभी उसकी आंखों के आगे से जो छिलके के समान था वो गिर गया, जो आज तक यीशु मसीह के रूप में नहीं दिखाई देता था अब उसको मसीह के रूप में दिखाई दिया। और तुरंत ही, और वो भी कहां पर जाकर, क्या लिखा है, सभास्थान, हाँ डायरेक्ट चर्च में जाकर, जहां पर पहले बोलता था ऐसा कोई भी आया तो उसको पकड़ो या तो मुझे बुला देना, मैं पकड़कर उसको डाल दूंगा जेल के अंदर। और अभी वहीं पर जाकर पौलुस जो है, अभी पौलुस परमेश्वर का प्रचार कर रहा है। अभी पौलुस बोल रहा है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही परमेश्वर का बेटा है। इस तरह से वो बाइबल से वो जवाब दे रहे। और आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और उसका 11 और 12 पद। देवे पावला हाथी एवा असाधारण चमत्कार कर्या, तेणे वापरला रुमालो तथा लुगड़ा तेओ मांदाओनी पासे लई जता अने तेमने अड़काड़ता, एटले तेओना रोग दूर थता अने तेओमांथी अशुद्ध आत्माओ निकली जता। जो मारने वाला था चंगाई देने वाला बन गया। इतना परिवर्तन, जो आज तक लोगों को मारता था अभी उसके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया कि वो अभी लोगों को चंगाई दे रहा है, उसके जरिए चंगाई जा रही है। पहले जो पौलुस को मिलते होंगे वो सब अस्पताल में जाते होंगे, अभी पौलुस को जो मिलते तो अस्पताल खाली होने लगी। हालेलुया, परमेश्वर ने उसके जीवन में इतना काम किया कि अभी उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। और आगे पढ़ते उसका 14वां अध्याय प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय एक बार जो लोगों को पत्थर मारने वाला था अब पत्थर खाने वाला बन गया। हालेलुया, पूरी तरह से परिवर्तन। जो आज तक लोगों को पत्थर मारता था अभी उसके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया, अब वो पत्थर खाने लग गया, सामने कुछ नहीं बोलता है। और आगे पढ़ते उसका 16वां अध्याय प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और वहां पर ऐसा हुआ कि पौलुस को जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। तो पौलुस और उसके साथ उसका जो साथी था ये दोनों आराधना कर रहे, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया, उनके दोनों हाथ और दोनों पैर बांधे हुए, ताली नहीं बजा सकते हो, हाथ हिला भी नहीं सकते, लेकिन तभी वो परमेश्वर की आराधना करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो तो भला है। जोरों से आनंद से वो लोग गाना गा रहे। सही में परिस्थिति ऐसी है कि आनंद नाम की कोई चीज वहां पर होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इनके जीवन में परमेश्वर का आनंद है और ये दोनों आनंद से परमेश्वर की आराधना कर रहे। जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो इतना चमत्कार हुआ, अचानक से धरती कंप हुआ। धरती कंप हमेशा किसी का न किसी की जान लेते, लेकिन ये धरती कंप परमेश्वर ने किया था। इसलिए क्या हुआ, जितने भी कैदी बांधे हुए थे उनके बंधन ही खुल गए और कुछ नहीं हुआ। अचानक वहां पर अंधेरा हो गया और जो जेलर था वो भाग कर आया। जेलर ने देखा सारे बंधन खुल गए, अंधेरा भी हो गया, अब कौन सा कैदी बाकी होगा। अब ये सभी लोग भाग गए होंगे, पुरुष ने तलवार निकाली
और ऐसा रखे उसके ऊपर गिरना ही जाने वाला था, मर जाता हूँ। लेकिन अंधेरे में पौलुस ने देखा, पौलुस ने वहां लगा, एक रुक जा, हम में से कोई नहीं भागे, हम में से कोई नहीं भागे। और बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसका 27 और 28 पद, बंदी खाना में दरोगो उम्मती जागी उठ्यो अने बंदी खाना ना बारणा उगाड्या, उगाड़ा जोईने बंदी खाना नासी गया हसे एम धारीने ते तरवार ताणीने आपघात करवा जतो हतो। पण पाउले मोटो घाटो पाड़ीने कह्यू के अमे सौ अहीं छीए माटे तू पोताने कहीं इजा करतो ना। जो दूसरों को जेल में डालता है अभी खुद जेल में, और भी भागने का मौका मिलता है फिर भी नहीं भाग रहा है। कितना परिवर्तन पौलुस के जीवन में, सिर्फ चमत्कारों से नहीं, सिर्फ मार खाने की बातों में नहीं, लेकिन वचन में भी, वचन में भी इतना परिवर्तन पौलुस के जीवन में कि वचन के अंदर जो उसके अंदर जोश था वचन के लिए, वचन मानने के लिए, वचन मनवाने के लिए, वचन पुकारने के लिए, पौलुस के अंदर एक गजब का जोश था, होश में नहीं लेकिन जोश में, और उसका जो होश था वो जोश के अंदर मिला हुआ था। हालेलुया, उसने होश खोया नहीं था लेकिन जोश के साथ उसका होश था। ऐसा नहीं होता है धीरे से करते, कल करते, परसों करते, नहीं, लेकिन पौलुस के अंदर जो जोश था उस जोश के साथ और होश के साथ उसने जो प्रचार किया और प्रचार में जो लोगों को सिखाया, सही में बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाई, और वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं था। और बाइबल में हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों और उसका 10वां अध्याय और उसका 17 पद, 10:17 उसका 11वां अध्याय उसका 23-26 पद पढ़ो। केम के प्रभु तरफ थी जे मने मळ्यो ते मैं तमने पण सौंपी दीधो। फिर से पढ़ते हैं। केम के प्रभु तरफ थी जे मने मळ्यो, आपो ध्यान समझदा, जो परमेश्वर की ओर से मुझे मिला ते मैं तमने पण सौंपी दीधो। जो परमेश्वर की ओर से मुझे मिला, पौलुस ये बोल रहे, जो परमेश्वर की ओर से मुझे मिला वो मैं तुम्हें भी दे देता हूँ। क्या देता है? इतने जे राते प्रभु यीशु ने परम वचन करवामां आव्यो ते राते तेणे रोटली लीधी। क्या ली? रोटली, एक है ना, रोटली मतलब एक रोटली, और एक रोटी ली, फिर अने स्तुति करीने भांगी अने कह्युं के ए मारो शरीर छे एने तमारे सारू भांगवामां आव्युं छे, मारी यादगीरीने सारू ए करो। એજ પ્રમાણે ભોજન કર્યા પછી તેણે પ્યાલો લીધો અને કહ્યું કે આ પ્યાલો મારા રક્તમાં નવો કરાર છે, તમે જેટલી વાર એમાંનો પીઓ છો તેટલી વાર મારી યાદગીરીને સારું તે કરો। પોલુસ અહીંયા પર વાત કી, એક રોટી હે એસા લખાવ છે જો પરમેશ્વર ને મુસે દિયા તુમકો ભી દે દેતા હું, પર વો ક્યા હે બોલે એક રોટી। બહુ ધ્યાન સમજના, અગર શરૂ સે લેકર આજ તક અગર એક હી રોટી ચલતી આઈ હોતી तो कभी बाइबल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि एक ही रोटी लो। लेकिन बाइबल में जितनी भी बातें लिखी वो लिखी इसलिए कि उसके खिलाफ भी कुछ चल रहा था, तभी परमेश्वर को लिखना पड़ा। परमेश्वर ने ऐसा बोला चोरी मत करो, क्योंकि चोरी करने वाले थे इसलिए परमेश्वर को लिखना पड़ा चोरी मत करो। लोग व्यभिचार करते थे इसलिए परमेश्वर को लिखने की जरूरत पड़ी कि व्यभिचार मत करो। लोग खून करते थे इसलिए परमेश्वर को लिखने की जरूरत पड़ी खून मत करो। और यहाँ पर पौलुस एक प्याला और एक रोटी के बारे में बात कराए और बोले जो परमेश्वर ने मुझे दिया वो मैं आज आप लोगों को भी दे देता हूँ। उस वक्त भी ऐसे लोग थे जिनको झूठा लगता था, उस वक्त भी बहाने वाले थे, और हम तो बहुत लोग इकट्ठा होते एक रोटी कैसे पहुंचेगी, हम तो बहुत लोग इकट्ठा होते एक प्याले से क्या होगा, अरे डेंगू फैल चुका है। हालेलुया, अगर एक प्याले से पी लिया कहीं हो गया तो प्रभु यीशु के लहू में भी लोग डेंगू थे। हालेलुया, हो सकता है उसमें क्या भागे जाए। हालेलुया, तो उस वक्त भी ऐसे लोग तो थे, और इसलिए पौलुस ने पूरे ईमानदारी से, सच्चाई से, आत्मा से और पूरी तरह से उसने लिख दिया। बहुत ध्यान समझना, ये कोई नया जमाना नहीं, सिर्फ नए लोग है, नया जमाना नहीं है। उस जमाने में जो हो रहा था वही बातें आज भी हो रही है और आज भी ऐसी बातें चल रही हैं। और फिर आगे लिखा है, पढ़ते हम उसका 11वां अध्याय पहला कुरिन्थियों और उसका 5-6 पद पढ़ो तो। पर जे कोई स्त्री उगाड़े माथे प्रार्थना के प्रबोध करे छे ते पोताना माता नो अपमान करे छे, केम के तेम करो ते मुंडली होवा बराबर छे। हालेलुया, बहुत ध्यान समझदा कि जो औरत होती है उसको सर ढककर प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा बाइबल में लिखा है, सर ढककर प्रार्थना करनी चाहिए।
और अगर नहीं करती ऐसा तो उसका सर का अपमान कर रही थी, ऐसा लिखा है, उसके सर का अपमान कर रही थी। और फिर आगे ऐसा लिखा है कि ऐसा करना वो तो टकली होने जैसा है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब वो ये कहना चाहता है उस जमाने में ऐसा था कि औरत जो थी वो कभी भी अपना बाल नहीं कटवाती थी, और एक परमेश्वर की ओर से भी ऑर्डर था कि बाल नहीं कटवाना, और बाल काटना मतलब खुद के सर का अपमान करना। हालेलुया, हालेलुया। आज पड़ोस होता तो क्या बोलते, पड़ोस को ऐसी स्त्री मिल जाती और बाल सेट कर दो बहुत बढ़िया लग रहा। आप दूसरे समझ देख बाल सेट के फिर कैसे अच्छा लगती है, पीछे तो ऐसे वी से वो लगा सेप लगा रहे। मालूम नहीं इधर के बाल इतने ही बड़े और बाल के वैसे लाइन से कैसे बढ़ते हैं भाई। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना। लेकिन पौलुस ने हिम्मत से सिखाया नहीं मतलब नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और पौलुस ने हिम्मत से ये सारी बातें सिखाई। और आज भी कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं वो तो करंथ की कलीसिया को बताया था, और कई लोग बोलते हैं कि वो तो उस जमाने की स्त्री के लिए है और ये सारी बातें जो है वो हमारे लिए नहीं है। लेकिन पौलुस ने आगे चलकर एक बात और लिखी और हम पढ़ते हैं वही 11वां अध्याय उसका 16वां पद। अगर कोई इंसान इस बारे में सर को ढकने के बारे में और स्त्री के बाल काटने चाहिए ऐसी बात अगर करे, मतलब कुछ तकरार करे, या तो सर नहीं ढकना चाहिए, या तो परमेश्वर ने बोला ढकना चाहिए और कभी भी बाल नहीं काटना चाहिए, उसके अंदर अगर कोई तकरार करने वाला मालूम पड़े तो जानूं कि अपना मां तथा देवनी मंडलियों मां पण एवो रिवाज नथी। इसका मतलब वो कहां से आया, वो बाहर का इंसान है, वो भेड़िया है जो भेड़ के बीच में आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान समझना पौलुस ने तो डायरेक्ट स्पष्ट जोश से लिख दिया, पूरे होशोवास में लिख दिया नहीं मतलब नहीं, और अगर कोई भी तकरार करे तो मैं बोलता हूँ नहीं मानना उसकी, वो बाहर का है, वो भेड़िया है, उसकी मत मानो, परमेश्वर ने बोला है और परमेश्वर ने जो बोला है। ऐसा जोश ये पौलुस के जीवन के अंदर आ गया जब से उसका नया जन्म हुआ था। और सिर्फ पौलुस बोलते नहीं थे, वो ध्यान समझना, सिर्फ प्रचार करते नहीं थे, चाल चलन में भी पौलुस ऐसे थे, चाल चलन में भी पौलुस जो थे वो ऐसे थे। कितनी शादी की थी पौलुस ने, डरो मत ना आप कर बैठे तो क्या हो उसके बारे में तो बोलो। हालेलुया, हाँ उससे नहीं की शादी, जिसने की वो गलत मत मानना। लेकिन जितने लोग जो सच्चाई से ईमानदारी से मसीह में आए वो बाद में तो बोलते हैं शादी नहीं की होती तो अच्छा था। जिसकी पत्नी ना हो बोले हालेलुया, डरो मत यार, डाइवोर्स का भी परमेश्वर ना बोले, कोई पत्नी बोलेगी घर पर जाकर डाइवोर्स ले लो सर। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने शादी तक नहीं की, क्यों बोले मसीह में इतना पक्का, परमेश्वर में इतना पक्का, मैं शादी नहीं करनी, शादी करूंगा तो पत्नी की चिंता होगी ना, शादी करूंगा तो फिर बच्चे की फिक्र होगी ना, इससे अच्छा वो समय भी मेरा कहाँ पर जाएगा, मसीह में जाएगा। चाल चलन में भी पौलुस जो थे वो पूरी तरह से अच्छी तरह से चलते थे। और गलातिया में ऐसा लिखा, गलातिया उसका 5वां अध्याय और उसका 19 से लेकर 21 पद। पौलुस बोलता है ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, पहले भी चेतावनी दे चुका हूँ, आज दूसरी बार देता हूँ। और कलीसिया ये जो कलीसिया जो थी गलाती की उसके बारे में पढ़ना कि गलाती की कलीसिया कैसी थी। पौलुस ने उनको सिखाया था फिर भी दूसरी ओर चले गए थे, पौलुस का कहा वो भी नहीं मानते थे, ऐसी एक कलीसिया थी। और पौलुस ने उनको ही लिख दिया शरीर के काम इतने इतने, अगर करोगे तो पहले भी चेतावनी दिए,
अगर पड़ोस में होता तो ये सभी लोग टूट पड़ते, भाई पौलुस बैठ, मैं जानता हूँ तुझे, तू भी इसमें से तो एक है और हमको सिखाता है। पौलुस ने इतना हिम्मत से बोलता, मैंने पहले बताया है आपको, चेतावनी दी है, आज दूसरी बार चेतावनी देता हूँ, स्वर्ग में नहीं जाओगे। मतलब पौलुस के चाल चलन में ऐसा होगा, तभी पौलुस इतनी हिम्मत से वो बोल रहा है। और फिर पहले कुरिन्थियों में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसका 27वां पद, પણ હું મારા દેહનું દમન કરું છું તથા તેને વશ રાખું છું, રખેને બીજાઓને સુવાર્તા પ્રગટ કર્યા છતાં કદાચ હું પોતે નાપસંદ થાઉં। બોલું સો સમજતે મે મેરે શરીર કો વશ મે રાખતા હું। ઓર હિન્દી મે પઢો, હિન્દી મે કેસા લિખા હૈ, પરંતુ અપની દેહ કો મે મારતા, હા મે મેરે દેહ કો મારતા હું, એસા લિખા હૈ, કૂટતા ઓર વશ મે લાતા હું, હા મે મેરે દેહ કો મારતા કૂટતા હું। મતલબ મારના કૂટના મતલબ वो पागलों वाली हरकत की बात नहीं है, लेकिन मारने कूटने का मतलब उसकी जो भी इच्छा होती है मैं उसको मारता है। बंद हो जा, कोई इच्छा नहीं प्रकट कर रही तुझे, कोई इच्छा प्रकट नहीं कर रही मेरे परमेश्वर के खिलाफ, तेरी इच्छा होनी नहीं चाहिए। पौलुस बोलता है चलो हम प्रार्थना के लिए बैठते, और शरीर अगर बोलता है नहीं मुझे नींद आ रही है, तुरंत गुस्सा लगाओ, नींद गायब, नहीं नींद नहीं आनी चाहिए, अरे आज व्रत रखना है, आज उपवास करना है, आज उपवास के पीछे जाना है, आज खाना नहीं है, और शरीर बोलता है नहीं मुझे भूख लगी, और पौलुस तुरंत अपने शरीर को मारता है, नहीं आज बुखार है ना। पौलुस का चाल चलन कुछ ऐसा था, अपने शरीर को अपने वश में रखता था। हालेलुया, अपनी मर्जी के अनुसार, मतलब आत्मा से उसको चलाता था, उसको मारता था, उसको कूटता था। इस तरह से पौलुस अपने शरीर को वो चलाते थे। और आगे भी पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में कि पौलुस किस तरह से चलते थे। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसका 23 और 24 पद, मात्र हूँ इतलो जानो छू કે હરેક શહેરમાં પવિત્ર આત્મા મને એવી સાક્ષી આપે છે કે બંધનો તથા સંકટો તારી રાહ જુએ છે, પણ હું મારો જીવ વહાલો ગણીને તેની કંઈ પણ દરકાર કરતો નથી, એ માટે કે મારી દોડ અને દૈનિક રૂપાની સુવાર્તાની સાક્ષી આપવાની જે સેવા પ્રભુ ઈસુ પાસેથી મને મળી છે તે હું પૂર્ણ કરું। પવિત્ર આત્મા ઉસકો બોલતે દેખ, હે પોડસુ જહાં પર જા રહા હૈ બાંધ દેંગે તુઝે, તુઝે મારેંગે, તો પોડસ બોલતા હૈ ઉસમે ક્યા હૈ, પવિત્ર આત્મા કો ભી જવાબ દે દેના, ઉસમે ક્યા હૈ, मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ मेरे परमेश्वर के लिए, मैं तो जाऊँगा। पवित्र आत्मा को भी बोल देते थे। और फिर आगे भी लिखा है उसके 21वां अध्याय उसका 13वां पद, तेरे पाउले तुमने उत्तर आप्यो कि तुम्हें शू करवा रड़ो छो अने मारू दिल दुखावो छो, हूँ तो एकलो बांधवाने नहीं पर प्रभु ईश्वर नाम नी खातर यरूशलेम में मरवाने पर तैयार छू। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर बोला सभी को, क्योंकि यहाँ तो नबी आया था, भविष्यवक्ता आया था, अगाबस आया था, और अगाबस ने आकर बोल दिया कि पौलुस अगर जाएगा उसको बांध दिया जाएगा। और पौलुस फिर भी बोलता है मैं तो जाने वाला हूँ, चाहे बांध दे, चाहे मार दे, चाहे जेल में डाल दे, चाहे कुछ भी करे परमेश्वर के लिए। आजकल तो ऐसा होता है बारिश बहुत है ना, हाल लिया आज ऐसा है ना, मेरी गाड़ी कुछ बिगड़ी हुई है, मालूम नहीं गवर्नमेंट की सारी बसें भी बंद हो गई या ट्रेन भी बंद हो गई। हाल लिया, और ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना कि पौलुस का जो जीवन था वो कैसा था, से बोलने में नहीं चाल चलन में भी पौलुस ऐसे थे, चलते थे भी ऐसे, और चाल चलन में भी मरने के लिए भी तैयार ऐसे पौलुस थे। और पौलुस का जीवन जो था वो पूरी तरह से बदल चुका था। और पहले पौलुस जो थे वो शाउल के नाम से जाने जाते थे, और शाउल नाम का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है कि डिस्ट्रॉयर, मतलब तोड़ने वाला, और पौलुस का अर्थ होता है बांधने वाला। हालेलुया, सिर्फ नाम नहीं बदला, पूरी तरह से उसका जीवन भी चेंज हो गया था। पूरी तरह से पौलुस जो थे वो पौलुस बदल गए थे। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसका 22वां पद, पर शाऊल ने विशेष पर आवतो कयो अने इस उद्देश्य क्रिस्त एवा प्रमाण आपीने यहाँ तक कि सभी की बोलती बंद हो गई, सभी के मुंह पर लगी है पौलुस कैसा है, अभी तक तो सताता था, इतना चेंज मतलब इतना चेंज आज तक नहीं दिखा, तो सभी लोग मुंह में उंगली डाल दे गए, सभी के मुंह बंद हो गए, सभी की बोलती बंद हो गई कि पौलुस के जीवन में इतना सारा परिवर्तन, जो लोगों को मारता था, जो पीटता था, अभी खुद को मारता है, खुद को पीटता है, अपने शरीर की इच्छा को मारता है, कितना बदल चुका, कितना बदल चुका। और ये तो शुरू की बात है, शुरू में ही जो लोग थे सभी के मुंह बंद हो गए कि सही में जो पौलुस था उस पौलुस का जीवन कैसा हो गया था।
पूरी तरह से बदल गया था, पूरी तरह से पौलुस के जीवन में वो चेंज आ गया था। और पहले कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 13वां अध्याय, उसका 11वां पद। जरा हूँ बालक हतो त्यारे बालक नी पेठे बोलतो हतो, बालक नी पेठे विचारतो हतो, बालक नी पेठे समझतो हतो, पण हवे मोटो थया पछी मैं बालक नी वातो मुकी दीधी छे। हालेलुया, हालेलुया। और ध्यान समझ, एक बार फिर से कोई पढ़ो तो क्या लिखा है? जरा हूँ बालक हतो, हाँ पौलुस ऐसा बोल रहे, जब मैं बच्चा था त्यारे बालक नी पेठे बोलतो हतो, हाँ बच्चे के समान बोलता था, बाळक नी पेठे विचारतो हतो, हाँ बच्चे के समान सोचता था, बाळक ना पेठे समझतो हतो, हाँ बच्चे के समान समझता था, पण हवे मोटो थया पछी हाँ मैं बाळक नी वातो मुकी दीधी छे। अब मैं बड़ा हो गया, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं बड़ा हो गया और बच्चे की सारी बातें मैंने एक और रख दी। बड़ा होने के बाद जो छोटे वाली जो बात थी वो मैंने निकाल दी। और पहले कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थी और उसका 3रा अध्याय, पहला और दूसरा पद। भाइयों जेम आध्यात्मिकोनी साथे वात करू तेम तमारे साथे हूँ वात करी सक्यो नहीं, पण जेम सांसारिकोनी साथे एटले जेम ख्रिस्तमा बाळकोनी साथे तेम मैं वात करी। मैं तमने दूधथी पाड्या छे, अन्नथी नहीं, केम के हजु सुधी तमे समर्थ न हता अने हमणा पण समर्थ नथी, केम के तमे हजी सांसारिक छो, केम के तमारामां ईर्ष्या તથા કજિયા છે, માટે શું તમે સાંસારિક નથી અને સાંસારિક માણસોની પેટે વર્તતા નથી? બાઇબલ મેં લખાય કે જિસ તરહ સે બડે કે સાથ બાત કરની ચાહીએ ઇસ તરહ સે મેં બાત નહીં કરને પાયા। મેં તો પહેલે બચ્ચા થા, બચ્ચે કે સમાન સોચતા થા, બચ્ચે કે સમાન સમજતા થા, લેકિન અબ બડા હો ગયા તો મેંને સારી બચ્ચે વાલી બાત રખ દી। લેકિન પૌલુસ કલીસિયા કો બોલતા હૈ, લેકિન આપ લોગો કે સાથ મેંને કૈસે બાત કી? બોલે કે બચ્ચે કે સાથ જૈસે કરતા હું વૈસે। ક્યું? बरसों से मसीह में आगे फिर भी ईर्ष्या है, फिर भी लड़ाई है, फिर भी झगड़े, अभी भी बच्चे वाली बात। मेरी बोटी लेकर चला गया, अरे तो कोई बात नहीं लड़ने की, वो भी मसीह लोग आत्मीय आत्मा वाले लोग लड़ने के लिए बैठे। हल्की सी बातों पर गुस्सा आ जाए, उसने मुझे नाश्ता करने के लिए बुलाया था, मैं घर पर गया तो पूरा पेट भर के खाना खा ले दिया। ये कोई रोने वाली बात है? अरे तो अच्छी बात है कि थोड़ा सा करने के लिए बुलाया था और ज्यादा दे दिया, लेकिन उसमें भी बुरा मान जाना। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना। लेकिन पौलुस बोलते मैंने बच्चे की बात छोड़ दी, वो मेरा पुराना जीवन था, अब नया जीवन, अब नए जीवन में बच्चे वाली बात कोई नहीं। एक लड़का था नौजवान, ज़्यादा पढ़ नहीं पाया तो ऑटोमोबाइल के कोर्स में चला गया कि चलो मोटर मैकेनिक बन जाते, बड़े होके गैरेज बाद में गैरेज बना लेंगे और लोगों की गाड़ियाँ रिपेयर करेंगे और गाड़ी में घूमने का भी हो जाएगा। वहाँ पर गया और जो पूरा इंजन था किस तरह से खोलना है, किस तरह से बनाना है, सब कुछ उसको आ गया और किस तरह से गाड़ी चलानी चाहिए वो भी उसने पेपर के ऊपर सब कुछ सीख लिया। और अगर उसको पेपर के ऊपर कोई भी बोले कि पूरा इंजन खोल दे तो पेपर के ऊपर खोल सकता था और फिर उसको बंद भी कर सकता था, पूरी तरह से अच्छी तरह सीख गया। और अभी मास्टर जो थे, अभी उनका एग्जाम का दिन आया और मास्टर ने सभी बच्चों को इकट्ठा कर बोला और उसमें इसको ही खड़ा कर दे, एक कार कैसे चलती है, मतलब यार ये तो क्या, अरे बोले यार ये नहीं, गाड़ी कैसे चलती है, उसका स्पेयर पार्ट कैसे चलता है, ये तो कैसे भी चलाता है, अभी भी छोटे बच्चे हैं, गाड़ी कैसे चलती है, अरे 25 साल का हो गया, अभी तो बस को छोड़, अभी तो वो सारी बातें छोड़ दे। पौलुस बोलते हैं कि मैंने तो सारा कुछ निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया और सब कुछ निकाल कर मैं तो अभी बड़ा हो गया, जब छोटा था तब मैं ऐसी बातें करता था। और पौलुस जो थे उसकी सारी बातें चार ओर फैल गई, पौलुस की बातें चार ओर फैल गई, लोगों को पता चल गया पौलुस मतलब कोई आया है परमेश्वर का दास, जबरदस्त वचन देता है, उसके अनुसार चलता है, वैसे ही आगे बढ़ता है, सिखाता भी जोरदार है, चमत्कार भी बढ़िया होते हैं, भूत प्रेत बहुत निकलते हैं। और पौलुस की जो उसका जो नाम था वो चारों ओर, उसका नाम जो था वो चारों ओर फैल गया।
और एक बार बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 25वां अध्याय और उसका 22वां पद। ત્યારે અગ્રિપાએ ફેસ્તુસને કહ્યું કે એ માણસને સાંભળવાની મારી પણ ક્યારની ઈચ્છા છે। હા, રાજાને બોલા, ઉસને કહીં સે સુન લિયા પોલુસ કે બારે મે, કહાં કહાં તક પોલુસ કી બાત ફેલ ગઈ। હાલેલુયા, હાલેલુયા, કહાં કહાં તક પોલુસ કી બાતે ફેલ ગઈ। ઓર યે રાજા બોલ રહા હૈ કે મુઝે ભી તો સુનના હૈ ઉસકે બારે મે, મુઝે ભી તો પોલુસ કો સુનના હૈ કે પોલુસ જો હૈ વો કૈસે, અભી બહોત ધ્યાન સમજના, પોલુસ કૈસે ફેમસ હો ગયે, ऐसा क्या था पौलुस के जीवन में कि पौलुस का नाम चारों ओर फैल गया। क्या उसने बड़े बड़े प्रचार किए इसलिए, क्या बड़े बड़े चमत्कार किए इसलिए, क्या बड़े बड़े भूत प्रेत निकाले इसलिए, इसलिए पौलुस फेमस हो गए? नहीं, पौलुस तो फेमस हुए उसका सबसे बड़ा कारण था, वो था उसका चाल चलन। हालेलुया, हालेलुया, उसका चाल चलन वो सबसे बड़ी बात थी जिसके कारण ये पौलुस जो थे वो पौलुस वो फेमस हो गए। और पौलुस ऐसा बोलते हैं गलातिया में उसका दूसरा अध्याय, गलातिया उसका दूसरा अध्याय और उसका 20वां पद। हूँ ख्रिस्तनी साथे वधा संबे जड़ायो, परंतु हूँ जीवु छू, तो पण हवे थी हूँ नहीं, પણ મારામાં ખ્રિસ્ત જીવે છે। હાલેલુયા, 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 જાગ જાઓ, હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા સે શૈતાન ભાગતા, હાલેલુયા, હાલેલુયા। તો યહાં પર લિખા હૈ, પૌલુસ એસા બોલ રહા હૈ, મેરે અંદર કોન હૈ? મસીહ। મેરે અંદર મસીહ જિંદા હૈ, અબ મેં નહીં જિંદા રહેતા, લેકિન મેરે અંદર મસીહ જિંદા રહેતે, ઉસને પરમેશ્વર કો અપને અંદર જગા દી, ઓર અભી ઉસકા ચાલ ચલન ઇસ તરહ સે બદલ ગયા કે અભી પૌલુસ કો પરમેશ્વર ચલા રહે, उसकी पूरी तरह से उसका जीवन बदल गया। इसलिए पौलुस जो है वो चारों ओर फैल गए। परमेश्वर ने चुना था, परमेश्वर आज भी लोगों को चुनते, परमेश्वर ने उस समय भी 70 लोगों को चुना था, 12 लोगों को भी चुना था, उसके बाद भी परमेश्वर चुनते गए, आज भी परमेश्वर हमको चुनते। क्यों परमेश्वर चुनते? परमेश्वर इसलिए हमको चुनते कि हम परमेश्वर को लोगों के आगे प्रकट करें, हम लोगों के आगे हमारे परमेश्वर को प्रकट करें। इसलिए परमेश्वर ने हमको चुना हुआ है कि हम परमेश्वर के गुण जो है वो लोगों के आगे प्रकट करें। लेकिन कब, कब हम परमेश्वर को लोगों के आगे प्रकट करें, किस वक्त हम लोगों के आगे प्रकट करें? और बाइबल में लिखा है पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसका 9वां पद। પણ તમે તો પસંદ કરેલી જાતિ, રાજમાન્ય યાજક વર્ગ, પવિત્ર પ્રજા તથા પ્રભુના ખાસ લોક છો, કે જેથી જેણે અંધકારમાંથી પોતાના આશ્ચર્યકારક પ્રકાશમાં આવવાનું આમંત્રણ આપ્યું છે, તેના સદગુણો તમે પ્રગટ કરો। અબ પ્રગટ કરો, આખિર મેં બોલા પ્રગટ કરો, પરમેશ્વર કે સદગુણ જો હૈ વો પ્રગટ કરો, લેકિન ઉસસે પહેલે પરમેશ્વર ને કુછ બાત સિખાઈ। તુમ તો પસંદ કી હુઈ પ્રજા હો, પસંદ કી હુઈ પ્રજા, पसंद की हुई मतलब किसको बोलते हैं पसंद किया हुआ? कि अगर वो ढेर सारे लोगों को इकट्ठा किया जाए और फिर उसमें से सब जितने 6 फुट से ऊपर जो हाइट वाले उसको अलग किया जाए, तो बाकी जो रह जाएंगे वो हो सकता है 1 फुट से लेकर 6 फुट के नीचे तक होंगे, लेकिन जो बाहर इकट्ठा किए वो 6 फुट वाले उसको बोलते हैं पसंद किए हुए लोग। परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम तो पसंद की हुई जाति, तुम तो पसंद किए हुए लोग। तो सबसे पहले परमेश्वर हमको पसंद करते, हमको चुनते। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो लेकिन वो अनंत जीवन पाए। जब हम विश्वास करते तो परमेश्वर हमको चुनते, जब परमेश्वर हमको चुनते तो उसके बाद ऐसा लिखा है तुम पसंद की हुई प्रजा, और फिर आगे लिखा है कि क्या लिखा है, राजमान्य याजक। हाँ, यहाँ पर बाइबल में राजपदधारी, राजपदधारी मतलब जिसने वो पद धारण किया है जिससे राज किया जाए, राज करने का पद मतलब राजा बन गया, शैतान के ऊपर जिसने अधिकार प्राप्त कर लिया। ऐसे लोगों की बात की कि पहले पसंद किए हुए लोग, फिर यीशु मसीह सभी को अधिकार दिया, जाओ मेरे नाम से भूत निकालो, मेरे नाम से आप बीमारों को चंगा दे दो, ये अधिकार मिल गया, ये राजपदधारी हो गए। और फिर उसके बाद लिखा है कि याजकों का समाज, याजकों की मंडली। तो याजक मतलब पास्टर, और पास्टर अकेला कभी भी काम नहीं कर सकता, उसको कई लोगों की जरूरत है। तो उसमें ऐसे लोगों की जरूरत है, अभी हमें उसके साथ मिलना है, हम उसके साथ मिल गए
हम याजकों के समाज में आगे, उसकी मंडली में आगे, और फिर उसके बाद लिखा है कि पवित्र, पवित्र उसको बोलते जो आज्ञाकारी करते हैं। ये मत समझना भूत प्रेत निकालने वाले, बीमारों को चंगा देने वाले सब पवित्र लोग है। हाँ, ऐसा मत समझना, वो तो परमेश्वर अपने नाम के लिए करते हैं, और इसीलिए कभी भूत निकले, कभी कोई चंगाई को प्राप्त करे तो इतना आनंदित मत होना कि स्वर्ग में चले गए, इतना आनंद मत होना, अभी हमें और भी आगे बढ़ना है। तो कभी भी ऐसी बातें होती है तो उसमें घमंड करने की जरूरत नहीं है, या तो उसमें ऐसा बोलने की जरूरत नहीं कि अब हम स्वर्ग में चले गए। लेकिन यहाँ पर जो बाइबल में लिखा है उसके अनुसार पवित्र प्रजा, वो कब लिखा है, याजकों की मंडली के बाद, पवित्र प्रजा मतलब आज्ञाकारी करने वाले, और उसके बाद लिखा है कि प्रभु के निज लोग, जो आज्ञाकारी करते वो प्रभु के खास लोग बन जाते, और ऐसे लोगों को बोला परमेश्वर के सद्गुण प्रकट करो। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु यीशु लोगों को चंगाई देकर क्या बोलते हैं, किसी को बताना नहीं, नहीं तो लोग भूलेंगे, ये तो व्यभिचारी और चंगा होकर आए, ये तो पापी है और ऐसा होकर आए, और यीशु मसीह की बात करने लगा तो यीशु कैसा होगा। इसलिए यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को मना कर दिया था, मत बताना किसी को जाकर कि मैंने चंगाई दी, मेरी बात मत प्रकट करना। लेकिन पत्रस पवित्र आत्मा से हमको बता दे कि हमें कब यीशु मसीह को प्रकट करना है। यीशु मसीह ने हमको चुना क्यों, इसी कारण हमको चुना है कि हम यीशु मसीह को प्रकट करें, लेकिन कब, जब उसके खास लोग बन जाओ, तब तक आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और पौलुस जो है वो फेमस इसीलिए हुए, वो पांचवें पद तक पहुंच गए थे, पांचवें पद तक, मतलब कि परमेश्वर का खास वो बन चुका था, और इसलिए पौलुस जो है वो चार ओर फेमस हो गए थे। अभी अभी किसी के घर में बात निकली और किसी दास के बारे में बात निकली, और उसने बताया कि वो दास ने तो मुझे ऐसा बोला कि मेरे घर तेरे तुम्हारे घर तो मैं आऊँगा, लेकिन 1500 रुपये तो मेरा किराया होगा, क्योंकि मैं ऑटो में सफ़र नहीं करता, मैं बस में भी नहीं जाता, मैं तो कार में ही जाता हूँ, और कार वाला 1500 रुपये लेगा। उन लोगों ने बोला एक काम करो, छोड़ो हम ही आपके घर आ जाते हैं। बोला आपको ज़रूरत है और मेरे घर क्यों आते हो, मैं ही आपके घर आऊँगा, 1500 रुपये दे देना। उन्होंने मना कर दिया परमेश्वर के दास। अब ये बात भी मेरे सामने निकली और किसी ने बताया कि 1500 रुपये वो तो मांग रहा था, बातें तो उसकी भी फैल गई, लेकिन कैसे फैली। पौलुस जो थे वो चार और फेमस हो गए, एक मंडली ऐसी निकली, और वो लोग प्रार्थना करने से पहले आपको पूछते हैं कितने वाली प्रार्थना करो, 100 वाली, 500 वाली, या 2000 वाली, या 5000 वाली प्रार्थना। सही में है ऐसे लोग, ये कोई बनाई हुई बात नहीं है, है ऐसे लोग घूम रहे। और उसको पूछा गया 5000 वाली में क्या होगा, बोले उसको तुरंत चंगे हो जाओ, 2500 वाले उसमें 3 दिन लगेंगे, और बोले 100 वाली, बोले प्रार्थना कर कर चले जाएंगे, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आप जानो। ऐसे लोग भी प्रार्थना करने वाले। मैंने बोला 5000 दे देने थे उसको, साथ में लिखा भी देना था कि अगर चंगाई नहीं मिली तो छोड़ूंगा भी नहीं। तब पता चलता कि 5000 वाली प्रार्थना करता भी है कि नहीं करता है। हालेलुया। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, क्योंकि परमेश्वर आज एक बार फिर हमसे बात करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि 5 गुरुवार भरना पड़ेगा हमारे पास, 5 शुक्रवार हमारे पास आना पड़ेगा, 5 संडे हमारी बंदगी में आना पड़ेगा, हमारे मीटिंग में आना पड़ेगा, तब ऐसा हो सकता है। कई लोग होते, एक भाई एक बहन जी थे और काफ़ी उसका कर्जा हो गया था, और एक घर था उसको बेचना था कि अगर मेरा घर बेच जाए तो मैं पूरा कर्जा जो है निपटा लूँ। तो उसे किसी को बोला मेरे लिए प्रार्थना करो ना, मेरा घर बिक जाए। बोले 10 दोगे उसका 10 दोगे। अभी ये बहुत परेशान थी, बोले ले लेना कोई बात नहीं। उसकी बहन पास में खड़ी थी, ये बहन तेरा घर 9.5 लाख में जाने वाला है, 95,000 होते 10 लाख दे देगी। अरे मैं ऐसे भी मैं परेशान हो, इसको दे दूंगी, छोड़ो दे दूंगी इसको, तो देना नहीं चाहती थी, उसकी मजबूरी थी, क्योंकि सेवक ने ऐसा बोला दे दो। और सेवक ने उन्होंने बोला कि बहुत सेवक लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की लेकिन मेरा घर आज तक नहीं भेजा। अरे वो सेवक की बात छोड़ो, मैं तो बोलता हूँ 1 महीना बस, और 1 महीने के अंदर आपका घर बिक जाएगा। अभी 2 महीने हो गए, अभी ये फोन कर तो सेवक भी नहीं उठाता फोन। उसको भी डर लगता है कि महीना तो हो गया। लेकिन पौलुस जो थे फेमस इसीलिए हुए थे कि उनका चाल चलन जो था वो चाल चलन सही था, और जब चाल चलन सही होता है तो अपने आप बातें जो है वो फैलने लगती, और जब चाल चलन सही नहीं होता तो भी बातें तो फैलती, लेकिन ये बदबू वाली बातें होती है, ये खुशबू वाली बातें नहीं होती, ये बदबू वाली बात होती है।
वो ध्यान से भी परमेश्वर के वचन को सुनना। हम वचन के अंत भाग में जा रहे हैं। आज जो वचन हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? मत्कुस 14:3 से लेकर 9 पद हमने पढ़े, और वहां पर एक बात लिखी गई है जो चारों ये सुसमाचार में लिखी हुई मरियम के बारे में। और किसी के घर में प्रभु यीशु को बुलाया गया खाने के लिए, और वहां पर मरियम आई। उसने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन अपने हाथ में वो अत्तर लेकर आई थी, और वो लेकर आकर उसने पूरा यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। और उस जमाने का सबसे महंगा था वो, सबसे महंगा, क्योंकि जो स्टडी करने वाले वो ऐसा बोलते हैं कि वो जिस पौधे में से बनता है वो पौधा सिर्फ कश्मीर में होता है और दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता। तो यहाँ पर आए होंगे, या तो यहाँ से कोई बेचने के लिए वहाँ पर इसराइल में गया होगा, और उस वक्त उसकी कीमत जो बताई गई थी 300 दिनार। दिनार का तो मुझसे मालूम नहीं कितना पैसा बनता है, मालूम तुझे दिनार का कितना पैसा बनता है? चलो 300 रुपये गिन लो। अगर आज से 2000 साल पहले की बात करें, उस वक्त भी 300 रुपये देना, 300 रुपये, और 300 रुपये किसी के ऊपर खर्च करना। हर 7 साल में हमारे बैंक जो होती है डबल करती है। अगर 2000 साल में 7 साल कर डबल करते हैं, उधर कितना हो जाएगा? चलो इतना भी नहीं करना, लेकिन था सबसे महंगा वो, और उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, और मरियम ने आकर पूरा यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। तो लोगों ने विरोध किया, बोले इससे अच्छा तो ये बेच देते। और एक तो यहूदा इस्करियोती था, जो यूहन्ना 12 में लिखा है, यहूदा ने तो यहाँ तक बोल दिया, अरे प्रभु इसे क्या कर रहा है, तू भी अपने ऊपर डाल रहा है तो आनंद कर रहा है, अरे इससे अच्छा बेच दिया होता तो ये 300 दिनार से ज़्यादा मिलने वाला था, हम गरीबों को दे देते पैसे। और यहाँ पर भी लोगों ने ऐसा बोला, अरे इससे अच्छा बेचकर गरीबों को पैसे दे दिए होते तो। और तब एक यीशु मसीह ने एक बात और उनसे कही, और यीशु मसीह ने ऐसा बोला, गरीब तो हमेशा तुम्हारे साथ है, वहाँ भीख मांगने वाले तो मिलते ही रहेंगे, वो तो आपके पास आते ही रहेंगे, लेकिन मैं तो भी जाने वाला हूँ। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि जो गरीब लोग हो तो हमेशा आपके पास रहेंगे, लेकिन इसने जो किया है वो तो अच्छा ही किया है, और उसको हर बार उसको याद किया जाएगा। ऐसा बाइबल में प्रभु यीशु ने उसके बारे में बोल दिया। हालेलुया। और ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना, और हम पढ़ते हैं जो हमने पढ़ा था मरकुस उसका 14वां अध्याय, और हमने पढ़ा था उसका 3 से लेकर 9 पद तक, और 5वां पद पढ़ो तो क्या लिखा है? केम के एक अत्तर 300 दिनार करता वधारे कीमती नहीं वेची सकाय, ने दरिंद्रियोरे अपात अने तेओने तेनी विरुद्ध कचकच करी। यहाँ पर लिखा है कि लोगों ने प्रभु यीशु का विरोध किया, ऐसा नहीं करना था, ये जो परफ्यूम है उसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना था, उसको बेच देना था और गरीबों में इसको बांट देना था। सही में ये मरियम ने ऐसा क्या किया था कि इसका विरोध हो गया? उसने ऐसी क्या बात की थी कि प्रभु यीशु का भी यहाँ पर विरोध हो गया? ये सबसे महंगा था। उस वक्त 300 दिनार मतलब आज का मालूम नहीं कितना हो जाता, लेकिन मुझे लगता है तो बाइबल में जो लिखा है उसके अनुसार उस वक्त 300 दिनार का जो था वो सबसे महंगा, और वो उसने यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया था। और जैसे ही डाल दिया तो जो परफ्यूम होता है कोई भी डालकर निकलता है, अगर पास से भी गुजरता है तो उसकी खुशबू आने लगती है, और अगर महंगे वाला हो और उसमें भी ये मरियम वाला हो तो कहीं पर एक बूंद भी गिर जाएगी वो चारों ओर फैल जाएगी। हालेलुया, वो चारों ओर फैल जाएगी। पाकिस्तान की एक औरत थी, अभी शायद जिंदा नहीं होगी, अगर होगी तो काफ़ी बूढ़ी हो गई होगी, 90 साल के करीब हो गई होगी, लेकिन उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया था। यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले उसको एक सपना आया था, और सपना ऐसा आया था जब वो जहाँ पर वो सो गई थी वहाँ पर पास में एक टेबल पड़ा हुआ था, और उसको सपने में उस टेबल के ऊपर उसको एक ऐसा ही मेक वाला परफ्यूम दिखाई दिया उसको, और उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। और जैसे ही वो उठी और उठकर उसको ऐसा लगा जैसे मैंने सपना नहीं देखा, सही में मैंने देखा, और वहाँ पर लेने गई, और तभी उसने आगे वाले दिन किसी के पास बाइबल मंगवाया था, और सही में वहाँ तो बाइबल पढ़ा हुआ था,
लेकिन सपने में उसको उसी जगह पर उसको वहां पर एक परफ्यूम दिखाई दिया और वो भी महंगे वाला, लेकिन जब उठकर उसने देखा तो सही में तो वहां पर बाइबल था और वहां पर कोई परफ्यूम नहीं था। और ये जो मरियम ने ये परफ्यूम डाला उससे चारों और वहां पर उसकी खुशबू जो थी वो चारों और खुशबू फैल गई। और बाइबल में हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थी और उसका दूसरा अध्याय उसका 14-15 पद को पढ़ो। हमारे जरिए मसीह परमेश्वर अपने ज्ञान की खुशबू चारों ओर फैलाते हैं। फिर क्या लिखा हुआ आगे? हाँ, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जरिए अपनी खुशबू फैला रहे। परमेश्वर हमको क्यों चुना? अपने वचन प्रकट करने के लिए। वचन क्या है? वचन कुछ और नहीं, वही तो परफ्यूम है। हालेलुया, उसी से तो खुशबू फैलती है। और उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और उसको कहीं जाकर किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं इतना बड़ा परमेश्वर का दास हूं, मेरे से ये होता है, मेरे से वो होता है। लेकिन उसकी खुशबू अपने आप चारों ओर फैल गई। जब राजा बोलता है मुझे भी उसके बारे में, उसके साथ बातें करनी, मुझे भी उसका कुछ सुनना है। चारों ओर पौलुस की बातें इसलिए फैल गई थी क्योंकि पौलुस का चाल चलन ऐसा था, और चाल चलन मतलब परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन मतलब खुशबू। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़े 14-15 पद। हाँ, हम मसीह की खुशबू है। हम मसीह का नाम प्रकट करते, हम मसीह की खुशबू चारों ओर फैला रहे, ऐसा पौलुस बोल रहे। हम चारों ओर मसीह की जो है खुशबू फैला रहे। लेकिन जो हमने पढ़ा था मरकुस उसका 14 अध्याय और वहाँ पर ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं उसका 8 पद। हाँ सर, 6 पद पढ़ दो, 5 पद पढ़ दो। ये लोग तो ऐसा बोल रहे इसको बेच देना था, इसको बेच देना था। खुशबू क्या है? वचन है। खुशबू क्या है? परमेश्वर की खुशखबरी है। खुशबू क्या है? ये सुसमाचार है, परमेश्वर के सद्गुण प्रकट करना, वही खुशबू है। और ये लोग क्या बोलते थे? इसको बेच देना था। आज कई लोग बेचकर बैठे ना संस्था में, अपने आप को बेचकर बैठे। कई लोग पास्टर बनकर बैठे, कोई मेथडिस्ट में बनकर बैठा है, कोई पेंटेकोस्टल में बनकर बैठा है, कोई CNI में बनकर बैठा है। खुशबू को क्या कर दी? बेच दिया। हालेलुया, बेच दिया। और जब बेच दिया तो क्या होता है? खुशबू फैलेगी। हालेलुया, फिर तो वहां खुशबू नहीं फैलती क्योंकि तो बेच दिया, आप खुशबू नहीं आएगी। और मीका नबी के पुस्तक में ऐसा लिखा है, मीका और उसका 3 अध्याय और उसका 11 पद। क्या करता है? तनख्वाह लेकर, पगार लेकर वो प्रचार कर रहा है। चलो वहां तो ठीक है, उसका घर का गुजारा तो चलता है, लेकिन वहां क्या आगे क्या लिखा है? ने तेना प्रबोधक को पैसा लेने जोश जुए छे, એમ છતાં પણ તેઓ યહોવા પર આધાર રાખે છે ને કહે છે શું યહોવા આપણી સાથે નથી? તો પગાર લેકર દેશ કરતે પ્રચાર કરતે ફિર બોલતે યહોવા અમારા સાથે નહીં હૈ, વો તો અમારા સાથે હૈ। એ જીતને ભી તનખ્વાહ લેકર કામ કરને વાલે લોગ હૈ, જો અપને આપ કો બેચ કર બેઠે, જો પરફ્યુમ કો બેચ કર બેઠે, જો ઇસ ખુશખબરી કો વચન કો બેચ કર બેઠે, પરમેશ્વર કા વચન કહેતા ઉસકે સાથ પરમેશ્વર નહીં હૈ। જબ પરમેશ્વર નહીં હૈ તો કોઈ ખુશબૂ કહાં સે ફેલેગી? एक भाई साहब थे, बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छा गाना उठाते थे, लेकिन उनका कुछ चार था कि मैं जब भी गाने के लिए आऊँगा तो टीम के साथ आऊँगा तो 10,000 और अकेला आऊँगा तो 2,500-2,800 रुपये। उस तब की कीमत रखी थी। एक दिन हार्ट अटैक आ गया, मर गया। परमेश्वर को बेचने के लिए बैठा था, खुद भी बिक चुका था और फिर भी बोलता था क्या परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ नहीं।
उपदेश प्रचार प्रचार करते, पैसा लेकर करते, तनख्वाह लेकर करते हैं और कहते क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं जो मरकुस 14 ये पढ़ा था उसका छठवां पद पढ़ो तो क्या लिखा है, पण यीशु ये देव ने कहू के एने रेवा दो, एने केम सताओ छो, एने मारा प्रत्ये भलू काम कर्यु छे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिर से पढ़ो क्या लिखा है, पण यीशु ये देव ने कहू के एने रेवा दो, एने केम सताओ छो, एने मारा प्रत्ये भलू काम कर्यु छे। यहां पर स्पष्ट लिखा है उसने मेरा भला किया हुआ है, परमेश्वर का भला किया। कोई परमेश्वर का भला कर सकता है? कोई भी परमेश्वर का भला नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर के वचन को प्रकट करना मतलब परमेश्वर का भला करना। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रकट करना मतलब परमेश्वर का भला कर रहा। कोई भी इंसान कभी भी परमेश्वर का भला नहीं कर सकते, लेकिन जो वचन पुकारते आत्मा से, सच्चाई से और बिना तनख्वाह, वो लोग क्या करते, प्रभु यीशु का भला करते। प्रभु यीशु कहते उसने तो मेरा भला किया, उसने मेरे प्रति भला काम किया, परमेश्वर को क्या जरूरत पड़ी। लेकिन परमेश्वर खुद बोल रहे कि उसने मेरा भला किया हुआ है। और उसका आठवां पद पढ़ो क्या लिखा है, जे तेनाथी बनी सक्यु ते तेने कर्यु छे, दफन ने सारू अगाउ थी तेने मारा शरीर ने अत्तर चुड़ियु छे। हाँ, दफन किसका होता है, शरीर का होता है, आत्मा का तो नहीं होता। और प्रभु उसने क्या बोला कि कलिशिया जो है वो मेरा शरीर है। हालेलुया। कलिशिया शरीर है, कलिशिया का दफन हो जाना चाहिए, कलिशिया मर जानी चाहिए, उसको दफन के लिए तैयार करना है। कैसे, उसको सिखाओ इस संसार से दूर हो जाएगा। हमने सब कुछ सिखा हुआ है, पहनना घूमना वगैरह गहनों के बारे में सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, हमने सिखा हुआ है। मार दो अपने आप को, जो आत्मा से सच्चाई से परमेश्वर की खुशखबरी प्रकट कराए, इस वचन को प्रकट कराए, और उसका जीवन पहले सही नहीं था। लेकिन जैसे ही मसीह में आया, जैसे ही परमेश्वर की रोशनी आ गई उसके ऊपर, उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। चारों उसका नाम प्रकट हो गया, चारों ओर उसकी नाम ना हो गई। सभी लोग पौलुस को याद कर रहे थे, सभी लोग पौलुस को देख रहे थे, अरे पौलुस मतलब क्या, अरे वो तो वचन के लिए भी इतना जोश से चलता है, आवेश से चलता है, सिखाने में भी इतना जोश और सिखाने में भी इतना आवेश। हालेलुया। और ये जो पौलुस था उसके चारों ओर नाम ना फैल गई। लेकिन उसने किसका भला किया, जो एक बार यीशु मसीह को सताने वाला था, उसने यीशु मसीह का भला कर दिया। कितनी कलीसिया बना दी, परमेश्वर का कितना भला कर देगा। हम भी एक जमाने में ऐसे ही थे, प्रभु यीशु को सताने वाले। ऐसे बन जाओ कि प्रभु यीशु का भला करने लग जाओ। ऐसा भला करो अपने चाल चलन से, बस बड़ी बड़ी बातें मत करना, लेकिन चाल चलन से ऐसा काम करो, चाल चलन ऐसा दिखाओ कि लोग समझे कि नहीं, इसमें सही में परमेश्वर का वचन है, यह वचन के अनुसार चलता है। लोग हमें देखने पाए, किसी की कंप्लेन आने ना पाए, और लोग बातें करें सही में इसके अंदर मसीह है। जब मरियम ने उस खुशबू को फैला दिया, उस इत्र को उसके ऊपर डाल दिया, चारों ओर खुशबू फैल गई, और तब प्रभु यीशु ने कहा इसने मेरा भला किया है। और सही में खुशबू क्या है, वो तो परमेश्वर का वचन है। अगर हमारे जरिए चारों ओर फैलेगा, हमारे जरिए अगर कलीसिया मर जाएगी संसार के तौर पर, लेकिन आत्मा में जी उठेगी, तो प्रभु यीशु बोलेंगे इसने मेरा भला किया। हमको एक मौका मिला है कि हम परमेश्वर का भला करें। किसी इंसान का तो करेंगे, लेकिन परमेश्वर का भला करने का मौका मिला है पूरी तरह से करो। बच्चे वाली बात छोड़ दो, अभी भी ईर्ष्या, अभी भी लड़ाई झगड़े, ये सारी बातें निकाल दो, लेकिन मसीह में बने रहो और मसीह के पीछे चलो। आओ हम हमारे को बंद करते हैं, हमारे मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे छिपाते हैं, जो राजाओं के राजा है। सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन वो सच्चा है। आज परमेश्वर ने हमको सिखाया है कि हम परमेश्वर का भला कर सकते हैं, हम परमेश्वर का भला कर सकते हैं। और वो तब हो सकता है जब हमारा चाल चलन ऐसा होगा, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, क्रोध, लड़ाई, झगड़े, ये सब कुछ निकाल दो। चाल चलन ऐसा बनाओ कि चारों ओर प्रभु यीशु की खुशबू फैल जाए, और प्रभु यीशु बोले ये मेरा भला करना है।
हमें मौका मिला है प्रभु यीशु का भला करने का, उसको गवाह मत, प्रभु यीशु का भला करेगा। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर बने हुए हैं।